विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में आम्रकुंज पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को याद किया। साथ ही उन्होंने दो देशों की संस्कृति को जोड़ने वाले नवनिर्मित बांग्लादेश भवन का भी उद्घाटन किया। यह पहला मौका है जब यहाँ पीएम मोदी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक साथ मन साझा किया। आप याद रखिए, जो गुरुदेव ने कहा था, जो भी दौड़ सुने क्यों अगर आपके साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं है तब भी अपने रस की तरफ अकेले ही चलते हैं। जन भागीदारी के साथ बढ़ते हुए कदम ही हमारे देश की 21वीं सदी में उस मकाम तक ले जाएंगे जिसका वो अधिकारी है, जिसका सपना गुरुदेव ने भी देखा। साथियों, गुरुदेव ने अपने निधन से कुछ समय पहले गांधी जी को कहा था कि विश्व भारती वो जहाज है जिसमें उनके जीवन का सबसे बहुमूल्य खजाना रखा हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम खड़े हैं हेलीपैड के पीछे जहां से अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होने वाले हैं झारखंड के लिए। उनके साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद है। दोनों आए थे विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों का जिक्र किया। इस दौरान उनके साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थे। इसके बाद तीनों ने जाकर के बांग्लादेश भवन का उद्घाटन किया और अब दोनों देशों के प्रधानमंत्री रवाना होने वाले हैं।